किया जा रहा है। ये किस तरह की स्थिति बनाई गई है कैंपस में? मैं उस विश्वविद्यालय का पूर्व विद्यार्थी हूं और उस पूर्व विद्यार्थी के नाते जो यहां विद्यार्थी बैठे हैं बीएचयू के, जानते हैं कि विश्वविद्यालय का जो कुलगीत है, उस कुलगीत को मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने लिखा था। उस कुलगीत में एक पंक्ति आती है कि यहां की यह शिक्षा है कि यहां पर सत्य सबसे पहले है, आत्मरक्षा बाद में। वहां के कुलपति इन दिनों अपनी आत्मरक्षा में वहां सत्य का बलिदान कर रहे हैं, सच्चाई को मारने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लड़कियों पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय को चलाना मुश्किल हो जाएगा अगर हर लड़की की बात सुनी गई तो। मैं समझता हूं कि ये एक तरह से उस विश्वविद्यालय के कुलपति होने का नैतिक हक वो खो चुके हैं। उनको एक मिनट भी उस विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नहीं रहना चाहिए जहां आज प्रोफेसर राधाकृष्णन और आचार्य नरेंद्र देव जैसे कुलपति रहे हो। वहां के विद्यार्थियों ने, खास करके छात्राओं ने जो सवाल उठाए हैं, उन सभी सवालों के साथ, और आप उनके मांग पत्र को देखिए, मुझे बहुत हैरानी होती है कि उनके मांग पत्र में क्या था, कौन सी ऐसी मांग थी जिस मांग को हम ये कहें कि उन्होंने बहुत ही आउटरेजियस डिमांड कर दी थी। कोई ऐसी मांग कर दी थी जो विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए, कुलपति के लिए पूरा करना मुश्किल था। उन सभी मांगों को देख रहा था मैं। वो कह रही थी कि कैंपस के अंदर जो अलग अलग सड़कें हैं उन पर प्रकाश की व्यवस्था कर दो, लाइटिंग की व्यवस्था कर दो। अगर आप सब मित्रों वर्मा समिति की, जस्टिस वर्मा समिति की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को ध्यान से देखें तो उसमें एक सिफारिश यह की गई थी कि शहरों के अंदर, परिसरों के अंदर, दफ्तरों के आसपास, बाजारों के आसपास लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था करना सरकार की, प्रशासन की, नगर पालिका की जिम्मेदारी है। एक कैंपस के अंदर लाइटिंग की मांग करना ये इतना बड़ा गुनाह हो गया। उन्होंने ये कहा कि कुछ जगहों पर सीसीटीवी लगा ऑप्शंस में है, बावजूद इसके उसको वहां पालन नहीं किया गया, उसको लागू नहीं किया गया। एक तरह से विश्वविद्यालयों को, मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 90 से जो परंपरा शुरू हुई, जो प्रक्रिया शुरू हुई 1990 के दशक से, कैंपसेस को जिस तरह से पुलिस का परिसर बनाने की कोशिश शुरू हुई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी मुझे याद है कि उस कैंपस के अंदर पहली बार पुलिस थाना खोलने का की घोषणा की गई थी। उस समय विद्यार्थियों के विरोध के कारण यह संभव नहीं हुआ, लेकिन आज एक तरह से विश्वविद्यालय परिसरों को पुलिस का थाना बना दिया गया। वहां पर पीएससी की परमानेंट तैनाती कर दी गई है। कैंपस में उठने वाले हर सवाल को, हर मुद्दे को अनुशासन का सवाल बना दिया गया है। अनुशासन के लिए लॉ एंड ऑर्डर की तरह से उस प्रॉब्लम को देखा जाता है, उनसे कोई संवाद नहीं है। और यहां मैं इसलिए एक बात और उठाना चाहता हूं, मित्रों आपको ध्यान होगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पिछले कोई 10-15 सालों से, यहाँ के विद्यार्थी बताएंगे मुझे ज्यादा बेहतर जो वहां से आए हैं, 15 सालों से वहां कोई छात्र संघ नहीं है। 1996 के बाद से बनारस विश्वविद्यालय में छात्र संघों के चुनाव नहीं हुए। जब छात्रों की का अपना कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं होगी जिसके जरिए वो अपनी बात उठा सके, जिसके जरिए वो प्रशासन से बात कर सके, जब उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, तो मैं ये कह पूछना चाहता हूं कि वो विद्यार्थी किसके जरिए और कैसे प्रशासन से बात करें, अपनी मांगों को, अपने सवालों को, अपने मुद्दों को किस तरह से आर्टिकुलेट करें। ये सवाल इसलिए भी उठाना जरूरी है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघों की जो एक परंपरा रही है, छात्रों की लड़ाई की जो परंपरा रही है, आंदोलनों की परंपरा रही है, उस परंपरा को भी एक तरह से खत्म करने की, छात्र राजनीति को खत्म करने की। कुलपति जी बार बार कह रहे हैं कि विद्यार्थी राजनीति करते,
और जितने बयान वो दे रहे हैं वो सब बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि राजनीति विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए, विश्वविद्यालय इसलिए बनाए गए हैं कि यहां से इंसान निकले। अरे मैं पूछना चाहता हूं वो कैसा इंसान होगा जिसको राजनीति की समझ नहीं होगी। विश्वविद्यालय में जो एक तरह से अगली पीढ़ी का नेतृत्व निकलता है, वहां की छात्र राजनीति वहां के स्टूडेंट एक्टिविज्म के जरिए निकलता है, पर वहां पर कैंपस में स्टूडेंट यूनियन को बैन कर दिया गया। ये कोई पूछे, इस सरकार से भी पूछे, विश्वविद्यालय प्रशासन से भी पूछे कि वहां क्यों नहीं है स्टूडेंट यूनियन। अगर स्टूडेंट यूनियन होती तो क्या ये हालात पैदा होते? मित्रों, यहां पर हमारे बहुत सारे साथी हैं, मैं तो अपने आज के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई बनारस विश्वविद्यालय में शुरू की है, उनके साथ सॉलिडरिटी जताने के लिए, उनके साथ अपनी एकजुटता जताने के लिए उस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र के बतौर आज मैं यहाँ आया हूँ, और मैं उनकी पूरी उस लड़ाई से अपने को जोड़ता हूँ, उसके साथ अपने को खड़ा करता हूँ। मैं आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हूँ क्योंकि आपने एक तरह से समाज को बदलने के आंदोलन की शुरुआत की है। वहाँ की छात्राओं ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल एक तरह से पूरे समाज को और खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस सामंती समाज में, उस फ्यूडल सोसाइटी में एक बड़े परिवर्तन और बदलाव की राह को खोल सकते हैं। इसलिए इस आंदोलन का मैं स्वागत करता हूँ और इसमें बहुत उम्मीदें देखता हूँ। इस आंदोलन को इलाहाबाद तक ले जाइए, गोरखपुर विश्वविद्यालय ले जाइए, इस आंदोलन को लखनऊ विश्वविद्यालय ले जाइए, पटना ले जाइए। इस आंदोलन को एक बड़ी आवाज बननी चाहिए। विश्वविद्यालयों का चरित्र बदल रहा है, विश्वविद्यालयों में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, छात्राओं की संख्या बढ़ रही है, उनका एसर्शन बढ़ रहा है, उनकी दावेदारी बढ़ रही है। इस दावेदारी का हमें आगे बढ़ करके स्वागत करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो रही है। और इस आंदोलन में एक बार फिर से अपनी एकजुटता जाहिर करते हुए, अपनी सॉलिडरिटी जाहिर करते हुए, वहां पर जो विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है उसकी कड़े शब्दों में हम भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वाइस चांसलर में वहां के अगर थोड़ी भी शर्म बाकी होगी तो वहां से वो तुरंत रिजाइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.